धार्मिक संस्था श्री श्याम प्रेम मंडल राणा प्रताप बाग द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन प्रताप बाग के लक्ष्मी नारायण पार्क में किया जा रहा है। आपको बता दें 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाली इस भागवत कथा के पहले दिन की शुरुआत शोभा यात्रा से की गई। इसके अलावा रोजाना शाम 3 बजे से 7 बजे तक कथा व्यास पंडित हरिशरण उपाध्याय जी के मुखाबिन से कथा का वर्णन किया जाएगा। वहीं इस दौरान संस्था के संस्थापक लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा कथा में आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रसाद सहित कई विशेष सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। कर्ण यो कर्णिकार विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेयो अधर सुधया पूरय गोप वृत्तय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति अंगना थे कि मुसलमान लोग पानी बोलते हैं, हिंदू लोग से ही हम बार बार सुनना चाहते हैं क्योंकि तो प्यार है, हमें कृष्ण से प्रेम है, हमें भगवान से प्रेम है। वयं तू न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छर्वन्ता वर्षज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे, क्यों बोले उसके पद पद में स्वाद है, हमें हमें तृप्ति नहीं मिल रही है, हम इतनी कथा सुन चुके सुना चुके फिर भी लगता है कि हम और कहें। महाराज हमें कथा सुनाइए। और अंतिम प्रश्न भागवत का कि कृष्ण जब चले गए तो धर्म कहाँ गया, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कम शरणम, धर्म गया कहाँ। अच्छा है प्रश्न में
धर्म की व्याख्या क्या है ये नहीं पूछी है भागवत ने। भागवत ने ये पूछा है कि इतनी कथाएं हो रही हैं समाज में, पर धर्म दिखाई क्यों नहीं देता। कोई गॉड कहे, कोई ईश्वर कहे, भगवान कहे, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, वो एक है, सबका मालिक वो एक है सा। और भक्त को जो जो प्रिय लगा, जो जो पसंद आया, वो उसने लिया, वो उसने स्वीकार किया, वो वैसा बन जाता। हमारी भागवत ने इस बात को बड़ी सुंदरता के साथ में समझाया कि यार बहुत बांसुरी लेकर के खड़े रहते हो, थोड़ा बांसुरी हटा दो, नहीं ये धनुष बाण ले लो और वही बांसुरी रख कर के, धनुष बाण लेकर के अगर खड़ा हो जाता है तो उसी का नाम हो जाता है कृष्ण राम।